हेलो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेकंड मॉड्यूल को, जिसका नाम है कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस को समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट जो कि आपका बॉटम पे फिक्स्ड है, और इसके अपर फेस पे हम क्या करते हैं, एक शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये शियर फोर्स डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्ट एरिया क्या दे देगा आपको, शियर स्ट्रेस टाउ दे देगा। अब हम स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट का क्या बनाने जा रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया हमारा स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट। इसके अपर फेस पे हम शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं टाउ। अब जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो हमें जो है इस सपोर्ट से फ्री करना पड़ेगा, फिक्स सपोर्ट हटाएंगे तो यहां पर एक आएगा, यहां पर एक रिएक्टिव शियर स्ट्रेस जो कि रिएक्टिव शियर फोर्स की वजह से आएगा। रिएक्टिव शियर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपसे पूछें कि क्या ये आपका एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम आपका सही है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ सर, ये फ्री बॉडी डायग्राम सही है और आपका ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका एलिमेंट जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए यहां पे आपका ये जो शियर स्ट्रेस है, दोनों शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में लग रहे हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस अपार्ट भी हैं, और इनका जो एरिया है कॉन्टेक्ट एरिया दोनों का क्या है, सेम है। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे, और कपल कैसा होगा, क्लॉकवाइज कपल होगा। देखिए यहां पर क्लॉकवाइज कपल होगा जो कि हम सी से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में अभी भी नहीं है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यहां पे इस प्लेन पे, इस शियर स्ट्रेस वाले प्लेन के 90 डिग्री पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। इसको लिखेंगे हम टाउ डैश, और यहां पर एक शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा इस वाले, इसके 90 डिग्री पे एक शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा टाउ डैश। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों मिलकर एक कपल फॉर्म करेंगे, कैसा कपल होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज कपल होगा। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज कपल फॉर्म करेंगे, और ये कपल दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तब जाके ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, अब ये जाके फ्री बॉडी डायग्राम सही बना। ठीक है, अब ये कहा जाएगा कि एफबीडी सही है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहां पर जो हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन या राइट एंगल पे जो प्लेन पे हम शियर स्ट्रेस लगाए हैं टाउ डैश, इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, टाउ डैश इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। तो चलिए हम निकालते हैं कपल प्रोड्यूस्ड बाई टाउ। कपल किसकी वजह से हम प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, टाउ की वजह से, और ये कैसा होगा भाई, ये क्लॉकवाइज होगा भाई। ये टाउ किस तरफ प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज, तो लिख देते हैं ब्रैकेट में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो कपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें भाई, कपल निकालने के लिए क्या होता है, कोई दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, यहां पे शियर स्ट्रेस दिया हुआ है तो शियर स्ट्रेस को हमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय एरिया हमें चाहिए, तो हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। अब एरिया निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3D फिगर बना देते हैं ताकि जो है आसानी से आप एरिया बता सकें। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो है आपका 3D में फिगर बन गया। ठीक है, यहां पे ये कौन क्या लग रहा है, टाउ। यहां पे भी इस प्लेन पे आपका टाउ लग रहा है, यहां पे इस प्लेन पे जो है इसके 90 डिग्री वाले प्लेन पे टाउ डैश लग रहा है, इस प्लेन पे आपका टाउ डैश लग रहा है। तो अब देखिए इनका नाम लिख देते हैं हम ए बी सी डी, यही तो है। और ये जो है मान लेते हैं कि ये जो थिकनेस है इसका, ये थिकनेस जो है आपका टी है, थिकनेस मान लेते हैं कि टी है। तो अब बताइए आप जो है, ये टाउ इस प्लेन पे लग रहा है तो इसका एरिया क्या होगा भाई, इस प्लेन पे लग रहा है, इसी प्लेन पे लग रहा है, इस वाले प्लेन पे लग रहा है। ठीक है, इस वाले प्लेन पे, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ए बी इंटू टी, ए बी इंटू टी करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये एरिया होगा।
एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस कर देंगे, शियर स्ट्रेस, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये फोर्स मिल जाएगा। कौन सा फोर्स? शियर फोर्स। फोर्स तो ये तो अभी फोर्स हुआ, और मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई ये प्लेन पे लग रहे हैं तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस BD लिखिए चाहे AC लिखिए, भाई BD और AC ही तो लिख सकते हैं, BD या AC दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं AC लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां बगल में ही कपल प्रोड्यूस्ड बाई टाउ डैश, ठीक है, कपल प्रोड्यूस बाई टाउ डैश निकालते हैं, जो कि होगा आपका काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या काउंटर क्लॉकवाइज, वो होगा आपका सी डैश। ठीक है, तो ये भी कैसे निकालेंगे हम, देखिए इस प्लेन पे लग रहा है तो हम इस प्लेन का जो शियर स्ट्रेस है टाउ डैश मल्टीप्लाई बाई ये एरिया निकालना पड़ेगा, तो भाई ए सी मल्टीप्लाई बाई टी, तो AC मल्टीप्लाई बाई टी कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल गया भाई, फोर्स मिल गया। इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा ना दोनों के बीच का, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर ये टाउ डैश और ये टाउ डैश, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखिए यहां पे देखिए CD कहिए चाहे AB कहिए, AB क्या है आपका, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेज का बीच का। ये AC क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों फोर्सेज के, दोनों स्ट्रेसेज के बीच का। ठीक है, तो अब ये दोनों मिल गए। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी। ठीक है, ये ए बी सी डी एलिमेंट कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब आपका कपल प्रोड्यूस बाय टाउ जो होगा कपल प्रोड्यूस बाय टाउ डैश के इक्वल होगा, या हम ये कहें कि जो आपका सी होगा उस सी डैश जो होगा सी के इक्वल होगा, तभी तो भाई जो ये कपल हम प्रोड्यूस किए हैं, ये कपल जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो कपल लग रहा है क्लॉकवाइज उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम निकाल के रख देते हैं ये दोनों वैल्यू, टाउ डैश इंटू ए सी इंटू टी इंटू ए बी, यही तो है, इक्वल्स टू टाउ इंटू ए बी इंटू टी इंटू ए सी। अब देखिए यहां से आपका ए सी से ए सी कट गया, टी से टी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, देखिए टाउ डैश इक्वल टू टाउ मिल गया, मतलब कि जो हमारा टाउ डैश है वो किसके इक्वल है, टाउ के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, दैट इज करके मैं लिख देता हूं, इसके बाद लिखना है आपको, ठीक है, दैट इज क्या मतलब है इसका, एवरी शियर स्ट्रेस इज अकंपनीड बाई एन इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन एट राइट एंगल्स। ठीक है, क्या मतलब है, पहले मैं इसका पढ़ के सुना देते हैं, एवरी शियर स्ट्रेस इज अकंपनीड बाई एन इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन एट राइट एंगल। क्या मतलब है, प्रत्येक शियर स्ट्रेस के साथ आपका एक इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आता है, कहां पे आता है, राइट एंगल प्लेन पे, कौन से प्लेन पे, राइट एंगल प्लेन पे। जैसे कि प्रत्येक शियर स्ट्रेस, मतलब ये वाला शियर स्ट्रेस था, ये वाला शियर स्ट्रेस आपका है, और इस शियर स्ट्रेस के साथ आपका, देखिए इस शियर स्ट्रेस के साथ आपके 90 डिग्री प्लेन पे आपका दूसरा शियर स्ट्रेस अपने आप ये लग गया है, ठीक है, जो कि टाउ डैश है, ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इसके साथ आएगा, इसी को हम बोलते हैं टाउ डैश को कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये अपने आप आएगा, एक शियर स्ट्रेस के साथ अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आ जाएगा 90 डिग्री प्लेन पे, ठीक है, राइट एंगल प्लेन पे, इस प्लेन के साथ। दूसरी चीज,
इसकी डायरेक्शन जो होगी ये जैसा कपल प्रोड्यूस करेगा इसके अपोजिट में ये कपल प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज एक और बात बता दें हम कि अगर आप इस रेक्टेंगुलर के कॉर्नर पे देखें, इस कॉर्नर पे देखिए, ए वाले कॉर्नर पे देखिए, तो ये एक दूसरे से क्या जा रहे होंगे, अवे जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे। लेकिन यही हम देखें इस बी पॉइंट पे, तो ये देखिए दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस और ये स्ट्रेस सियर स्ट्रेस दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे से पास आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तीसरी चीज सी पॉइंट पे आए तो ये सियर स्ट्रेस और ये सियर स्ट्रेस दोनों, ये कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस और ये सियर स्ट्रेस दोनों एक दूसरे से पास आ रहे हैं, और फिर हम यहां देखें तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इनका डायगोनल अगर देखें तो डायगोनल वाले जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से क्या होने चाहिए, एक दूर जाना चाहिए और एक पास होना चाहिए। देखिए ये दोनों डी और ए पे दूर दूर जा रहे हैं और बी और सी पॉइंट पे आपके क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। या सिंपल सी याद रखिए बात कि ये जो है एक क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करना चाहिए और दूसरा जो 90 डिग्री प्लेन पे है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, तभी उसे जो है दूसरे वाले को जो बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, अगर मान लीजिए आप जो है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे जो है अप्लाइड सियर स्ट्रेस है, जो अप्लाइड सियर फोर्स की वजह से अप्लाइड सियर स्ट्रेस जनरेट हो जा रहा है, मान लीजिए टाऊ, तो अब देखिए यहां पे टाउ है तो यहां पे तो टाउ होगा ही होगा, ठीक है, ये टाउ, ठीक है। अब देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस आप जनरेट कराना चाहते हैं तो ये कैसा प्रोड्यूस करेगा, ये देखिए ऐसा प्रोड्यूस करेगा, ये कैसा, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा। तो आपको क्लॉकवाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, और यहां पर कैसे लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमारा अप्लाइड था अप्लाइड की वजह से, और ये क्या था, अपने आप आया, तो यहां पे इसके 90 डिग्री प्लेन पे ये क्या जनरेट हो गया, आपका ये टाउ डैश जनरेट हो गया, ये टाउ डैश जनरेट हो गया जो टाउ के बराबर होगा, और इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, नोट करके लिखते हैं, नोट, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस मे बी इंपॉर्टेंट पैरामीटर या फैक्टर इन द फेलियर ऑफ एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन से होते हैं, सच एज टिम्बर, विच इज वीक इन सियर अलोंग द ग्रेन, ठीक है। क्या हमने लिखा है, इसको पढ़ देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस मे बी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फेलियर ऑफ एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्या मतलब है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल के फेलियर में, ठीक है, या हम ऐसे कहें एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल के फेलियर में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल के फेलियर में, ठीक है। जैसे कि आपका टिम्बर होता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है, जो कि वीक होता है सियर में अलोंग द ग्रेन देन नॉर्मल टू द ग्रेन, जो भी नॉर्मल टू द ग्रेन होगा सियर में थोड़ा सा स्ट्रांग होगा देन अलोंग द ग्रेन क्या होगा, वीक होता है, ज्यादा वीक होता है। जैसे कि बीम में हम क्या करते हैं, टिम्बर के बीम में अगर लोडिंग करते हैं तो उसके अलोंग द जो ग्रेन आता है कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस, उसी की वजह से आपका फेलियर होता है, ठीक है, जो कि हम आपके सियर स्ट्रेस इन बीम में देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट्री सियर स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।